आज के समय में पढ़ाई पूरी होने के बाद दूसरा विकल्प सिर्फ नौकरी का ही रहता है। इसके अलावा कोई विकल्प किसी को नज़र नहीं आता है। लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जो पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वयं का व्यापार या दुकान खोलने का भी एक बड़ा सपना समझते हैं। इनमें से ही एक हैं हर्ष वर्मा, जिन्होंने एमकॉम करने के बाद चाय की दुकान खोलने का निर्णय लिया। हालांकि यह निर्णय इतना आसान नहीं था, क्योंकि अक्सर समाज में यह नियम है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद परिवार और समाज के खातिर नौकरी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। लेकिन एक किराना दुकान चलाने वाले पिता के बेटे ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद परिवार ने भी नहीं की होगी। हर्ष वर्मा के परिवार को लगा बेटा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करेगा, लेकिन एमकॉम की पढ़ाई करने के बाद नौकरी न मिलने के कारण चाय की दुकान खोलने का फैसला लिया। इस युवक को एमपी के खंडवा में एमकॉम चाय वाला भी कहते हैं। वैसे पिता किराना दुकान का संचालन कर बेटे को एमकॉम कराकर सरकारी अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन नौकरी का सपना पूरा नहीं होने पर बेटे हर्ष वर्मा ने चाय की दुकान खोल ली। हालांकि इस फैसले को लेकर परिवार थोड़ा चिंतित जरूर हुआ, लेकिन बेटे की मेहनत ने एक आम नौकरी करने वाले व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उनका बेटा अब रोज 700 से ज़्यादा चाय बेचकर महीने के 60 से 70 हज़ार से ज़्यादा की कमाई हो जाती है। इतना ही नहीं, हर्ष वर्मा ने कई लोगों को रोज़गार भी दिया है। हर्ष वर्मा ने अपनी मेहनत से खुद की एक बड़ी कार भी खरीद ली है, जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। जी हर्ष जी, बताइए, ये आपका जो इनकम चाय है ये काफ़ी तरक्की कर रहा है और इससे आपने स्कॉर्पियो गाड़ी भी ली है, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आज हम देखते हैं कि आज युवाओं में सबसे ज्यादा अगर ट्रेंड चल रहा है तो वो बाहर जाके खाने का ट्रेंड चल रहा है कि कैफे में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, फैमिली के साथ में जाएंगे, फ्रेंड सर्कल के साथ में जाएंगे और हमें एक ऐसा अच्छा वातावरण मिले, एक फैमिली के बैकग्राउंड का माहौल मिले कि वहां पर जाके हम अच्छा खा सके, फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड कर सके, कपल के साथ में टाइम एक्सपेंड कर सके, फ्रेंड सर्कल में जाके टाइम एक्सपेंड कर सके। तो इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए कि आखिर हर युवा आजकल नौकरी के पीछे भाग रहा है, तो हर व्यक्ति को तो नौकरी मिल नहीं सकती है, तो मेरे मन में एक विचार आया तो क्यों ना अपना सेल्फ का स्टार्टअप किया जाए। आज देखे अपन कि वर्तमान में गवर्नमेंट भी इस पे सबसे ज्यादा जोर दे रही है कि अपना आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, तो उसी से मैं प्रेरित होकर मैंने सोचा कि इसी मैंने एमकॉम किया है, मेरी शिक्षा एमकॉम तक हुई है कि क्यों ना मैं एक शहर को नई सौगात दूं। तो मैंने ध्यान में आया कि इस खंडवा नगर में एमकॉम चाय वाले नाम से एक मेरी प्रतिष्ठान होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक उसमें युवाओं को रोजगार भी मिल सके और मेरा भी एक न्यू स्टार्टअप चले, जिससे मैंने कई युवाओं को भी रोजगार भी दिया है और यह इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है कि मैंने एक वर्ष के अंदर ही दूसरा भी उसके ऊपर खंडवा का एकमात्र पहला कैफे ऐसा है जिसको रूफटॉप कैफे के नाम से भी मैंने प्रारंभ किया है और उसकी एक परिणाम स्वरूप एक सभी कस्टमरों को इतना प्यार मिला है, मुझे आशीर्वाद मिला है कि बहुत अच्छे से मेरा कैफे चल रहा है और मैं सभी से ये आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आकर इस कैफे में लाभ उठाए, लुत्फ़ उठाए। आपके पिताजी जैसे किराना व्यवसायी थे, उन्होंने आपको पढ़ाया और सरकारी नौकरी उनकी चाह थी, तो इसको कैसे देखते हैं? मतलब आपकी नौकरी तो नहीं लग पाई लेकिन आप एक चाय वाला बन के भी आज सक्सेस हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हर माता पिता का अपना सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छी काबिल नौकरी करे, सरकारी नौकरी करके एक अफसर बने, तो बिल्कुल सही बात भी है, हर पिता का माता पिता का सपना होना भी चाहिए। लेकिन मैं इस मामले में एक अलग सोचता हूँ कि हर युवा को तो नौकरी मिल नहीं सकती है। आजकल हर युवा क्या है, सिर्फ पढ़ाई अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई सिर्फ नौकर बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए कर रहा है। ताकि मैं युवाओं से भी आग्रह करता हूँ कि वो सिर्फ नौकरी के पीछे ही ना भागे, भले अपने सेल्फ का स्टार्टअप करे, कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, सेल्फ का धंधा करे लेकिन अपना धंधा करे। आप यहाँ पर कितनी चाय बेच देते हैं? जिस हिसाब से मैंने सुना है कि 600-700 चाय बेच देते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, अधिक से अधिक युवा आते हैं और यहाँ पर चाय प्रेरित से की चुस्की मारते हैं और अधिक से अधिक युवा को मैं चाय का टेस्ट करवाता हूँ। और आपने अभी इसकी देन है कि आपने ब्लैक स्कॉर्पियो ली, काले कलर की, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, वो मैंने इसी में से जो मेरी अर्न मनी किया है मैंने, वो इसी के माध्यम से मैंने आज अभी दशहरे पे मैंने न्यू स्कॉर्पियो खरीदी है। क्या नाम लिखते हैं? हर्ष वर्मा, एमकॉम चाय वाला।